खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी के किए बड़े दावे की। सीएम योगी के जातिगत बयान पर भड़की सियासत की और अयोध्या में रेप पीड़िता से मिलने गए सीएम योगी। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुक्र है पानी पर जुर्माना नहीं लगाया, दिल्ली हाई कोर्ट की पुलिस को फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुई छात्रों की मौतों पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और अब तक की गई जांच पर सवाल उठाए। जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। तीन छात्रों की हुई मौतों की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने इस निर्णय के कारणों के रूप में घटनाओं की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में संभावित संलिप्तता का हवाला दिया है। स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में विभव को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने याचिका खारिज की है। लखनऊ में ईडी की बड़ी कार्यवाही, जौनपुर सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की भूमि जब्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईडी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। यहां जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की भूमि जब्त कर ली गई है। ईडी की टीम यहां अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची है। बता दें कि सपा सांसद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के आरोपी रहे हैं। बाजार चार दिन की रिकॉर्ड बढ़त के साथ फिसला, सेंसेक्स 885 अंक टूटा, निफ्टी 24,750 से नीचे। चार दिनों की रिकॉर्ड बढ़त के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दिखी। शुक्रवार को सेंसेक्स 885 अंकों की गिरावट के साथ 80,981 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी में 293 की गिरावट के साथ 24,717 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। यूपी के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो सांडों की लड़ाई में एक युवक की जान पर बनाई। सांडों की चपेट में आकर वो नीचे गिर पड़ा, तुरंत वो दुकान के अंदर भागा और शटर डालकर जान बचाई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। जाहिर है प्रदेश में दिन पर दिन आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है, इस वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। विपक्ष ने भी सांडों की समस्या को लेकर कई बार सरकार को घेरा है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि 29 जुलाई को संसद में दिए गए उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी की जानकारी दी है। वहीं उनके इस दावे को लेकर जहां एक ओर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर दावा किया।
शुक्रवार यानी आज तड़के सुबह की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मैं खिलाऊंगा। बता दें कि राहुल ने अपनी इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। ईडी रेट के दावे पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले से ही जमानत पर हैं। अगर जमानत रद्द हो जाती है तो जाहिर है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सुकांता ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्हें ये बात किसने कही। गिरिराज ने राहुल पर झूठ की खेती करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से ये दावा ऐसे समय पर किया गया है जब उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। राहुल ने कमल के निशान को हर जगह दिखाने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी पीएम मोदी, अमित शाह समेत 6 लोगों ने 21वीं सदी में भी किसान, मजदूर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा है। खैर चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातिवाद का गहरा नाता रहा है। यहाँ कोई वाद विवाद बिना जातिवाद के मुद्दे के साथ खत्म ही नहीं होता है। इसी लखनऊ में बारिश के बाद मचे हुड़दंग के विवाद में जातिवाद में फंस गया है। सीएम योगी ने पुलिस और आरोपियों दोनों पर गाज गिराई, लेकिन खुद पर भी उसकी आंच आने से रोक नहीं पाए। कल सदन में जब सीएम योगी गरजे तो उनसे एक भूल भी हो गई, बस उसी भूल का फायदा विपक्ष उठाता नजर आ रहा है। हालांकि ये सीएम योगी की भूल थी या चालाकी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन सीएम योगी अपने एक बयान की वजह से घिरते जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने उनको घेर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को भारी बारिश के दौरान महिला से मंचलों ने छेड़छाड़ की, इसका वीडियो वायरल हुआ और बढ़ते अपराधों के लिए लोगों ने योगी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। फिर सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन लिया और दमदार एक्शन से माहौल बना दिया। वहीं यूपी विधानसभा में जब ये मामला गुरुवार को जोरों शोरों से उठा तो योगी आदित्यनाथ ने दमदार भाषण दिया और सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन इसी बीच उनसे एक गलती भी हो गई और वो गलती थी कि उन्होंने अपने बयान में दो आरोपियों की जाति और धर्म बताते हुए बयान दे दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, हमने जवाबदेही तय की है, पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, तो बता दें कि मसला यह है कि इस मामले में 16 आरोपी हैं। गोमती नगर पुलिस ने सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सीएम योगी ने सदन में सिर्फ पवन यादव और अरबाज का नाम लिया, जिस पर विपक्ष ने अब उनको घेर लिया है। सीएम योगी ने हालांकि विधानसभा में सिर्फ 2 आरोपियों के नाम लिए, लेकिन गोमती नगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्यवाही करते हुए 16 आरोपियों को छेड़छाड़ में गिरफ्तार करने में कोई कोताही नहीं बरती। गोमती नगर पुलिस ने जिन 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम हैं पवन यादव, मोहम्मद अरबाज, सुनील, जयकिशन, विराज साहू, अर्जुन अग्ररी, रतन गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष, अभिषेक तिवारी और अभिषेक कुमार। अब इस सूची में एक बात तो साफ है कि महिला से बदतमीजी करने वाले विभिन्न जातियों से थे, उनके नाम से इसकी पहचान होती है, लेकिन छेड़छाड़ के इन आरोपियों का धर्म या जाति उन पर लगे आरोप से बढ़कर है। अब चूंकि सीएम योगी ने यादव समाज के एक लड़के
का नाम सदन में लिया तो समाजवादी पार्टी का भड़कना लाजमी था, इसलिए सीएम योगी के बयान पर सपा मीडिया सेल ने लिखा, सदन में अपराधियों की जाति बताने वाले सीएम योगी, इन गुंडों, बदमाशों, अपराधियों, माफियाओं, बलात्कारियों की जाति भी जरूर बताएं। सपा मीडिया सेल ने इन आरोपियों को योगी की जाति का बताते हुए हमला किया। उसने आगे लिखा है, इसी जाति पर सीएम योगी को बेहद गर्व है, ऐसा वो कहते हैं। ये अपराधी सीएम योगी के स्वजातीय होने के साथ साथ साथी भी हैं। सीएम योगी के युवा वाहिनी संगठन के पदाधिकारी भी हैं। ये अपराधी पुलिस को मारते पीटते, जान से मारने की धमकी देते हैं। किसके दम पर? सीएम योगी और उनके खासम खास अम्बरीश के दम पर। सीएम योगी को शर्म आनी चाहिए। अब देखा जाए तो इस मुद्दे ने तूल तो पकड़ ही लिया है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी सदन में इसलिए भड़के क्योंकि दो दिन पहले उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि यूपी में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। मौर्य ने राज्य के डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें इस संबंध में निर्देश दिए थे। योगी ने मौर्य को उनकी इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गोमती नगर की घटना में आरोपियों की जाति बताकर अपने इरादे बता दिए। अब इस बात में कितना सच है और कितना नहीं, ये जानना जरूर दिलचस्प रहेगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि गैंगरेप का आरोपी सपा नेता है और अवधेश मिसी का करीबी भी बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधानसभा में खतरा बताया था। इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और नौकर राजू खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। वहीं सपा नेता मोहित खान ने पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाया था। बताते चले कि दोनों आरोपी करीब 2.5 महीने तक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करते रहे। जब पीड़िता गर्भवती हुई तब जाकर ये मामला सामने आया। बता दें पीड़िता के पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। जाहिर है बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हुए सपा को घेरा था और आरोपियों को अपनी पार्टी में शह देने की बात कही थी। योगी ने कहा था कि अयोध्या व हरदोई मामले में सपा का नेता आरोपी है, ये समाज के कोढ़ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर समाजवादियों को आईना दिखाया। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने इस निर्णय के कारणों के रूप में घटनाओं की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में संभावित संलिप्तता का हवाला दिया। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को घोषणा की कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि केरल ने पहले किसी भी क्षेत्र में ऐसी त्रासदी नहीं देखी है और वो इस मुद्दे को दिल्ली में भी उठाएंगे। वहीं इसराइल समेत मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक के लिए तेल अवीव जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की भूमि जब्त कर ली गई है। ईडी की टीम यहां अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची। वहीं हिमाचल राज्य के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित समरफील्ड स्कूल को धमकी भरा मेल मिला है। मेल में स्कूल को धमकी दी गई है कि स्कूल में बम रखा हुआ है। स्कूल प्रशासन की माने तो ये मेल रात 12:30 पर ही भेजा गया था, लेकिन रात में ऑफिस बंद होने की वजह से इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुई। शुक्रवार को जब स्कूल खुला तो इसकी जानकारी सामने आई। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत पर लोग प्रशासन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। बड़े बड़े शिक्षाविद इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर बहस शुरू कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चिंता उन कैंडिडेट्स की भी है जिनका कुछ समय बाद यूपीएससी का एग्जाम होना है। जी हाँ, कोचिंग हादसा होने के बाद एमसीडी ने राव आईएएस दृष्टि आईएएस समेत कई कोचिंग को सील कर दिया है। कोचिंग पर लगा ताला उन बच्चों के लिए परेशानी बन गया है जिनकी सितंबर में मेंस की परीक्षा होनी है।
16 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर करने के बाद सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कोचिंग में मेंस की तैयारी कर रहे थे। अब बच्चों के सामने ये मुसीबत है कि वो सितंबर में होने वाली मेंस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ऐसे में जिन बच्चों की कोचिंग या लाइब्रेरी बेसमेंट में थी, उनकी पढ़ाई पर असर तो पड़ेगा ही। इस स्थिति में कोचिंग संस्थानों को उन बच्चों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जो सितंबर में मेंस की परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन वे बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।